भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। स्वागत है दोस्तों, अमरनाथ जी से एक और नए अपडेट के साथ आप सभी का डिवाइन स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस साल 2023 की जो अमरनाथ यात्रा है उसके ऑफिशियल डेट आ चुकी हैं, यात्रा रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गए हैं। और अगर आप यात्रा का प्लान करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि कैसे आप बाबा अमरनाथ धाम की गुफा तक पहुंच सकते हैं और कैसे आप अपना मेडिकल और परमिट बनवा सकते हैं और हेलीकॉप्टर से यात्रा आप कैसे कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मिलने वाली है आज की इस वीडियो में। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल पर बाबा केदारनाथ, बाबा भोलेनाथ की अन्य धामों की वीडियोज़ हम लोग आपके साथ शेयर करते रहते हैं। दोस्तों, बाबा बर्फानी की यात्रा बहुत ही पवित्र धार्मिक यात्रा है जो कि हर साल जून और जुलाई के महीने में शुरू होती है, और इस साल ये यात्रा है वो 1 जुलाई से शुरू होने वाली है। 1 जुलाई से ये ऑफिशियल यात्रा चलेगी और 31 अगस्त तक ये यात्रा चलने वाली है। जी हाँ, इस बार पूरी जो है ये 62 दिन की यात्रा रहने वाली है, जबकि पिछले हर सालों जो है ये यात्रा 42 या 41 दिन की रहती थी। तो इस बार जो है बाबा के भक्तों को 20 दिन ज़्यादा दर्शन करने को मिले हैं और बहुत ही सुंदर दर्शन इस बार बाबा के धाम में, गुफा में इस बार बाबा के हो रहे हैं। इस बार जो है बाबा की पिंडी अर्धनारीश्वर रूप में दर्शन दे रही है। शिव और पार्वती एक साथ इस बार हिमलिंग के रूप में यहां दर्शन देंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी प्लान करना चाहते हैं तो आप भी पहुँच सकते हैं बाबा अमरनाथ धाम। इसके लिए आपको परमिट बनवाना होगा। परमिट बनवाने के लिए आपके पास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम होते हैं, और परमिट बनवाने से पहले दोस्तों आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना होता है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, ऑफिशियल जो अमरनाथ जी की वेबसाइट है वहाँ से आपको अपना मेडिकल फॉर्म डाउनलोड करना है और अपने एरिया के किसी भी सिविल हॉस्पिटल में जाके, जो कि ऑथराइज है, उनकी लिस्ट आप इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ज़िले के वाइज आपको लिस्ट मिल जाएगी, उन्हीं हॉस्पिटलों से आपको अपनी मेडिकल रिपोर्ट बनवानी है, और वो मेडिकल रिपोर्ट बनवाने के बाद अपना यात्रा परमिट आप करवा पाएंगे। यात्रा परमिट अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिलता है, आप ऑनलाइन परमिट भी बना सकते हैं। और किसी भक्त को ऑनलाइन परमिट बनाने में या कोई दिक्कत आती है और हमसे परमिट बनवाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर आपको दिए गए इस नंबर पर आप संपर्क करके अपना जो है ऑनलाइन परमिट बनवा सकते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। और दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है आप मेडिकल करवा के, जो आप मेडिकल का आपको फॉर्म मिलेगा, ये फॉर्म आप जम्मू पहुंचकर वहां से भी अपना तत्काल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको यहां से एक RFID कार्ड मिलता है दोस्तों। जी हाँ, RFID कार्ड तभी आपका इशू हो पाता है जब आपकी जो आधार कार्ड से OTP आता है और वो वेरीफाई होने के बाद ही आपका यहाँ से RFID कार्ड बनता है। तो इसलिए अपना प्रॉपर यात्रा रजिस्ट्रेशन बनवाइएगा, उसके बाद ही आप यात्रा में आगे जा पाएंगे। बगैर RFID कार्ड इस साल भी यात्रा में यात्रियों को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, इस तरीके से आप अपना यात्रा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो है आप भगवती नगर बेस कैंप में पहुँच सकते हैं। भगवती नगर बेस कैंप जो कि जम्मू में है, यहाँ मुख्य बेस कैंप है अमरनाथ यात्रा के लिए। भगवती नगर बेस कैंप से ही आपको अमरनाथ जी के लिए बसें व गाड़ियां मिलती हैं। तो आपको जो है शाम को पहुंच जाना है भगवती नगर और यहां से अपना RFID कार्ड बनवा लेना है, और शाम को ही यहां से आप बसों की टिकट ले सकते हैं। अगर आप कानवाई के साथ जाना चाहते हैं तो यहीं आपको अंदर काउंटर बने हुए हैं जहां से आप AC और नॉन AC बसों की टिकट यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जो है अगर बालटाल रूट से यात्रा करना चाहते हैं तो आप बालटाल बस की जो है टिकट लेंगे। अगर आप पहलगांव रूट से यात्रा करना चाहते हैं तो पहलगांव रूट की आप टिकट लेंगे। तो ये यात्रा जो निर्धारित करती है आपके परमिट पर। अगर आप बालटाल से परमिट बनवाएंगे तो आप बालटाल से यात्रा कर पाएंगे। वापस आप किसी भी रास्ते से आ सकते हैं, लेकिन आपको जाना सिर्फ बालटाल से ही होगा। अगर आप पहलगांव का परमिट बनवाते हैं तो आप पहलगांव से आपको जो है जाना होगा, वापस आप किसी भी रास्ते से आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप यात्रा में बाबा की गुफा तक दर्शनों के लिए पहुंच सकते हैं। और अब मैं बात करूं आपके लिए कि कैसे आप यहां तक पहुंच सकते हैं, तो उसके लिए दोस्तों आपको जम्मू पहुंचना होता है। दिल्ली से जम्मू के लिए बहुत सारी ट्रेनें आपको मिल जाती हैं, और आप चाहें तो
डायरेक्ट उधमपुर भी पहुंच सकते हैं। अगर किसी को कानवाई के साथ नहीं जाना है और अपना प्राइवेट टूर ऑर्गेनाइज आप कर रहे हैं तो आप सीधे उधमपुर भी आ सकते हैं। उधमपुर से आपको प्राइवेट टैक्सी या बसें मिल जाती हैं जो आपको पहलगांव या बालटाल तक छोड़ देती हैं। इसके लिए आपके पास पहले जो है परमिट होना चाहिए, मेडिकल होना चाहिए, तभी आप यहाँ से आगे जाइएगा। अन्यथा आप जम्मू से अपना ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करा कर ही इस यात्रा में आइएगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग पॉइंट है यात्रा के बालटाल और पहलगांव से उन्हीं यात्रियों को आगे भेजा जाता है जिनके प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होते हैं, मेडिकल होते हैं और जिनका RFID कार्ड बना होता है, उन्हीं को यात्रा में जांच के आगे भेजा जाता है, अन्यथा बगैर डॉक्यूमेंट्स के यात्रियों को यहाँ से वापस लौटा दिया जाता है दोस्तों। और अब बात कर लेते हैं, जम्मू से आप उधमपुर आएंगे और उधमपुर से आपको डायरेक्ट गाड़ियाँ मिल जाएंगी और आप बालटाल और पहलगांव पहुँच सकते हैं। यहाँ से फिर आपकी जो है पैदल यात्रा स्टार्ट हो जाती है। पहलगांव से जो है वो 35 किलोमीटर का यात्रा ट्रैक है जो कि आपको काफ़ी लंबा रहने वाला है और बहुत ज़्यादा इसमें कठिनाई आपको देखने को मिलती है। और दूसरा रूट जो है वो बालटाल का है, बालटाल से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी है और आप गुफा तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बालटाल वाला रूट बहुत ही ज़्यादा कठिनाई का है और बहुत ज़्यादा स्टीफ खड़ी चढ़ाई है इस पर और घोड़े खच्चर चलने की वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ इस रूट पर हो जाती है। तो अगर आप निर्धारित यात्रा करना चाहते हैं, पारंपरिक तरीके से यात्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो रूट बनता है वो पहलगांव से आपको जाना होता है और बालटाल से आप वापस दर्शन करके आ सकते हैं। तो ये प्रॉपर रूट है, इस तरीके से आप दर्शनों में वापस आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपना लगेज या कोई सामान ऐसा नीचे छोड़ के जा रहे हैं यात्रा जो बेस कैंप पे, अगर आप बालटाल में कोई सामान अपना रख के बालटाल से यात्रा शुरू कर रहे हैं और आप उतर जाएंगे पहलगांव, तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर पहलगांव से वापस बालटाल आना एक बहुत ही अलग रूट हो जाता है, वहाँ की गाड़ी आपको मिलना बहुत मुश्किल है। तो जो है आप कम से कम 2 दिन में वहाँ से पहुँचेंगे, तो इसलिए काफ़ी कठिनाई आपको हो सकती है। इसलिए कोई भी आप जो है सामान ऐसा यात्रा पड़ाव में न रखें जिसके लिए आप अगर दूसरे रास्ते से चले जाएँ तो आपको परेशानी आए। तो इस तरीके से क्योंकि ये दोनों रूट डिफरेंट है, पहलगांव और बालटाल दोनों एक अलग ही जगह का रूट है, तो इसलिए ये निर्धारित कर लीजिए। अगर आप पहलगांव से जाना चाहते हैं और पहलगांव से ही वापस आएंगे तो वहाँ पे आप अपना कुछ भी लगेज जो है रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको वापस बालटाल से आना है तो आप अपने साथ में ही अपना सामान कैरी कीजिएगा। तो इस तरह की व्यवस्था है। और अब मैं बात कर लेता हूँ आपके लिए हेलीकॉप्टर की। तो हेलीकॉप्टर के टिकट भी जल्दी बुक होने वाले हैं और आप अमरनाथ जी की ऑफिशियल वेबसाइट से हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। और जो यात्री हेलीकॉप्टर बुक करेंगे उनको यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना, परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है, उनको सिर्फ ऑथराइज्ड मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कराना है और मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर ही आप हेलीकॉप्टर की टिकट बुक कर पाएंगे और उसके बाद आपको कोई भी परमिट की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हेलीकॉप्टर से यात्रा करना बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सुलभ है अमरनाथ जी की, जो कि आपको पंचतरणी तक लेके जाती है। पहलगांव और बालटाल दोनों रूट से ही हेलीकॉप्टर चलते हैं और आपको पंचतरणी तक ये लेके जाते हैं। और घोड़े खच्चर की बात करें तो वो भी आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। पहलगांव और बालटाल दोनों रूट से ही आपको घोड़े खच्चर बड़ी आसानी से मिलते हैं। पहलगांव से जो है दूरी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से घोड़े खच्चर का प्राइस और हेलीकॉप्टर का प्राइस दोनों का ज़्यादा है और बालटाल रूट छोटा होने की वजह से यहाँ का जो प्राइस है वो कम है। तो जैसा ही आप चाहें उसके अनुसार अपना यात्रा प्लान कीजिएगा, उसी रूट के माध्यम से आप यहाँ बाबा की गुफा तक पहुँच सकते हैं। और दोस्तों बाबा अमरनाथ की गुफा पर पहुँचने के बाद यहाँ आप रुक सकते हैं, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी, यहाँ कई सारे टेंट आपको देखने को मिलते हैं। और अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो नाइट होल्ड का टिकट लेके आइएगा, क्योंकि 5 किलोमीटर आपको पंचतरणी से जाना होता है गुफा की तरफ और करीबन 6 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है गुफा से पंचतरणी की। तो इसलिए अगर आप पंचतरणी से दर्शन करके वापस आएंगे तो आपको 6 से 7 घंटे लग जाएंगे, इसलिए आप नेक्स्ट डे का ही स्लॉट बुक कीजिए ताकि आप आसानी से दर्शन करके वापस आ सकें। तो इस तरीके से अपनी यात्रा प्लान कीजिएगा। किसी भी भक्त को यात्रा संबंधित कोई जानकारी चाहिए या कोई परमिट या हेलीकॉप्टर की बुकिंग कराना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके बुकिंग्स करा सकते हैं। कैसा लगा ये अपडेट कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलता हूँ ऐसी नई जानकारी नई वीडियो के साथ। मैं नवीन कुमार, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव, जय बाबा अमरनाथ।